हेलो, राम राम साथियों, मैं डॉक्टर संगीता दहिया रोहतक गेट पे भिवाड़ी खड़ी हुई हूँ। और दादरी से मैं जाने लग रही थी, हिसार जा रही थी, मैं इलेक्शंस के लिए आई हुई हूँ जैसे कि आप सभी को पता है। और मैं अभी भिवानी में रोहतक गेट पे खड़ी हुई हूँ। और रास्ते में मेरे साथ एक अपना भाई था जस्सी, उसने मेरे को ड्रॉप किया। मेरी गाड़ी हिसार खड़ी हुई है अपना सिसाई गांव के सरपंच बलबीर सियाग जी वहाँ पे। और मैं यहाँ से गुजर रही थी, रात हो गई थी, 12-1 बज गए थे। मैं भाई मैं होटल ले लूँगी। मैंने मेरे पार्टनर है उनको फ़ोन किया, मैं आप होटल बुक करवा दिए जी फैक्ट्री से। उन्होंने होटल बुक करवाया। मैं होटल में आई, मेरे को होटल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि भाई मेरे लेवल का नहीं, अजीब सा होटल था। मैं नीचे उतर आई और मैं नीचे उतर के आई तो दो लड़के ने सरिया मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। होटल का ओनर है, मैं कहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं जा रही हूँ। मेरे सरिया मेरे कपड़े फाड़ दिए, मतलब मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद मैंने पुलिस वाले सामने PCR खड़ी थी भिवानी में, PCR वालों को बोला। चार लड़के पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे। पुलिस वालों के आगे होटल का मालिक या जो भी यहाँ पे काम करता है, जो भी बंदा था, वो यहाँ से मेरे आगे अपनी स्कूटी लेके पुलिस वालों के आगे चला जाता है। और पुलिस वालों ने उसके पकड़ने तक की कोशिश नहीं की। छोटी बात नहीं है ना भाइयों ये, कि कोई सरेआम किसी लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगा, इतनी बदतमीजी करेगा, और पुलिस प्रशासन के आगे वो बंदा ऐसे भाग जाएगा। होटल में सीसीटीवी फुटेज, एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं इतनी देर से इन लोगों को एक बात कहने लग रही हूँ कि इस होटल के मालिक को कॉल करो, सीसीटीवी फुटेज यहाँ की देखिए। पिछले आधे घंटे से ये कह रहे हैं FIR लिखवाओ। मैं इतने बड़े बाप का बेटा है होटल वाला, यो नुका मेरे मंत्रियां गला लें कि इसके अंदर होटल में जाओ। मैं जब हरियाणा के सारे मंत्रियों के साथ इनके फोटो हैं, ये कह रहे हैं कि हम अथारा मारे तो बाल निपाटम तो नुआ छोरियां छेड़ांगे। ठीक है भाईयो, तो नुआ छेड़ेंगे तो थारी बाण खड़ी हाड़ के करना चाहिए, तुम तय कर लो। और सारे के सारे मैंने बता दो इन गला के करना है। ये पुलिस खड़ी है सारे लाइन में, और इनके पुलिस वालों के आगे वो बंदा यहाँ से भाग गया। और ये होटल है भिवाड़ी में, गॉड गेस्ट हाउस है। अब तुम समझ जाओ भाई, और हादसा क्या थी हुआ यार, क्या थी नहीं होना चाहिए। और ठीक है भाई, तो सारे के सारे भाइयों को यही कहूंगी, इस चीज को इतना शेयर करो, अपने अपने लेवल पे DG साहब से बात करो, CM साहब से बात करो, आप सभी को पता, इतना इस बात को उठाओ। और सारे हरियाणा की मीडिया, मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे फोन की बैटरी खत्म है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे मीडिया साथी मेरे को जानते अच्छे से, भाई मेरे साथ पर्सनल हादसा हुआ है, मेरी सिर्फ एक डिमांड है हरियाणा सरकार से, यहाँ पे आके CCTV फुटेज चेक की जाए, जितनी जल्दी हो सके CCTV फुटेज चेक की जाए, ताकि पता चले किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। और गलती की बात भी नहीं है, सरेआम दो लड़के शराब पी के धक्के मारे, कपड़े फाड़ने की कोशिश करे, लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए हरियाणा में। अगर मेरे जैसी सक्षम लड़की के साथ ये हाल है तो आम घर की बेटी तो ये जलील करके रोज बलात्कार करेंगे, यहाँ पे गदर हो गया के देश में। यही रिक्वेस्ट है साथियों, जल्दी से जल्दी पहुंचो यहाँ पे। हेलो, राम राम साथियों, मैं डॉक्टर संगीता दहिया रोहतक गेट पे भिवाड़ी खड़ी हुई हूँ। और दादरी से मैं जाने लग रही थी, हिसार जा रही थी, मैं इलेक्शंस के लिए आई हुई हूँ जैसे कि आप सभी को पता है। और मैं अभी भिवानी में रोहतक गेट पे खड़ी हुई हूँ। और रास्ते में मेरे साथ एक अपना भाई था जस्सी, उसने मेरे को ड्रॉप किया। मेरी गाड़ी हिसार खड़ी हुई है अपना सिसाई गांव के सरपंच बलबीर सियाग जी वहाँ पे। और मैं यहाँ से गुजर रही थी, रात हो गई थी, 12-1 बज गए थे। मैं भाई मैं होटल ले लूँगी। मैंने मेरे पार्टनर है उनको फ़ोन किया, मैं आप होटल बुक करवा दिए जी फैक्ट्री से। उन्होंने होटल बुक करवाया। मैं होटल में आई, मेरे को होटल अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि भाई मेरे लेवल का नहीं, अजीब सा होटल था। मैं नीचे उतर आई और मैं नीचे उतर के आई तो दो लड़के ने सरिया मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। होटल का ओनर है, मैं कहा भैया मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं जा रही हूँ। मेरे सरिया मेरे कपड़े फाड़ दिए, मतलब मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद मैंने पुलिस वाले सामने PCR खड़ी थी भिवानी में, PCR वालों को बोला। चार लड़के पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वालों के आगे होटल का मालिक या जो भी यहाँ पे काम करता है, जो भी बंदा था, वो यहाँ से मेरे आगे अपनी स्कूटी लेके पुलिस वालों के आगे चला जाता है। और पुलिस वालों ने उसके पकड़ने तक की कोशिश नहीं की।
छोटी बात नहीं है ना भाइयों ये कि कोई सरेआम किसी लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश करेगा, इतनी बदतमीजी करेगा और पुलिस प्रशासन के आगे वो बंदा ऐसे भाग जाएगा। होटल में सीसीटीवी फुटेज एक मिनट रुक जाओ, उसके बाद पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं इतनी देर से इन लोगों को एक बात कहने लग रही हूँ कि इस होटल के मालिक को कॉल करो, सीसीटीवी फुटेज यहाँ की देखिए। पिछले आधे घंटे से ये कह रहे हैं एफआईआर लिखवाओ। मैं नुकू मैं यो इतने बड़े बाप का बेटा है होटल वाला, यो नुकू मेरे मंत्रियां गला लें कि इसके अंदर होटल में जा। मैं जब हरियाणा के सारे मंत्रियों के साथ इनके फोटो हैं, ये कह रहे हैं कि हम अथारा मारे तो बाल निपाटन तो नुआ छोरियान छेड़ांगे। ठीक है भाईयो, तो नुआ छेड़ेंगे तो थारी मान खड़ी हाड़ के करना चाहिए, तुम तय कर लो और सारे के सारे मैंने बता दो इन गला के करना है। ये पुलिस खड़ी है सारे लाइन में और इनके पुलिस वालों के आगे वो बंदा यहाँ से भाग गया। और ये होटल है भिवाड़ी में, गॉड गेस्ट हाउस है। अब तुम समझ जाओ भाई, ये हादसा क्या थी हुआ यार, क्या थी नहीं होना चाहिए। और ठीक है भाई, तो सारे के सारे भाइयों को यही कहूंगी, इस चीज को इतना शेयर करो, अपने अपने लेवल पे डीजी साहब से बात करो, सीएम साहब से बात करो, आप सभी को पता इतना इस बात को उठाओ और सारे हरियाणा की मीडिया, मैं क्योंकि यहाँ पे मेरे फोन की बैटरी खत्म है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे मीडिया साथी मेरे को जानते अच्छे से, भाई मेरे साथ पर्सनल हादसा हुआ है, मेरी सिर्फ एक डिमांड है हरियाणा सरकार से, यहाँ पे आके सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए, जितनी जल्दी हो सके सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए ताकि पता चले किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। और गलती की बात भी नहीं है, सरेआम दो लड़के शराब पी के धक्के मारे, कपड़े फाड़ने की कोशिश करे, लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए हरियाणा में। अगर मेरे जैसी सक्षम लड़की के साथ ये हाल है तो आम घर की बेटी तो ये जलील करके रोज बलात्कार करेंगे, यहाँ पे गदर हो गया के देश में। यही रिक्वेस्ट है साथियों, जल्दी से जल्दी पहुंचो यहाँ पे।